हमको तुमको तो मुस्कुरा के ये सब नजारे, उल्फत में दो दिलों को बहका हुआ कहेंगे, बहका हुआ कहेंगे। दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। माफ कर देना इस दिल को जो है नादान, इसे मालूम ही नहीं कि चांद सिर्फ किस्सों कहानियों की बात है। लेकिन जब से तुम्हें देखा तो हो गया यकीन कि चांद जमीन पर भी है। हसीना जाने जा जाने मन, रंग जिसके लबों का ढूंढता है चमन। तू नहीं वो हसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने जा जाने मन, जिसके पसाने झूम उठा मेरा मन। तू नहीं वो हसी तो सनम कोई और ही। कल वो मिली थी तो सब बातों में ढली थी, वो मुझे नाजों पली थी वो शबनम थी या कली थी। हो जैसी वो थी वैसी, तू नहीं वो हसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने जा जाने मन, फिल्मों की अभिनेत्री कुमकुम को समर्पित है हमारा आज का ये प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम हर लम्हा तेरे साथ में सारे युगल गीत हमने कुमकुम की फिल्मों से लिए हैं। लगता है उससे मोहब्बत होने लगी है, सूरत न देखी मैंने उसकी, मूरत फिर भी उसकी ही बनने लगी है। दिन को चैन नहीं, रातों में नींद नहीं, लगता है हमें मोहब्बत होने लगी है। Thank you.
आगे छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। पुकारे बन के दीवाना ना माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना ना माने रे जिया, तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा, ओ, ओ, सोच लिया जी सोच लिया तेरी कसम, लागी छूटे ना हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। पल में यहाँ पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ, गाँव हो कस्बा हो या शहर हो या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी, ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी, घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। अरे गार्ड भैया दरवाजा तो खोलो, मैं यहाँ हूँ, कहाँ देख रहे हो, अंदर आना है मुझे, दरवाजा तो खोलो। अरे जरा ठहरिए मैडम, पहले हाथ तो सैनिटाइज कर लीजिए, इतनी जल्दी क्या है। हाथ सैनिटाइज कर लो, मेरे हाथ साफ है, देखो तो सही। अरे लेकिन फिर भी जो भी हमारे कॉलोनी में आता है उनको पहले हम हाथ सैनिटाइज करवाते हैं तभी अंदर जाने देते हैं, क्योंकि बचाव में ही समझदारी है। गोल्डन आवर्स, और गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है हर लम्हा तेरे साथ। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राधा पाठक। तुम आए तो अच्छा हुआ, जीने का एहसास मिला, अहमियत खुशियों की मैंने जानी, ताकत मुस्कुराहटों की मैंने पहचानी, चलो वादा करें अब न जाएंगे एक दूजे से दूर। Thank you.
वादा करें जहाँ भी रहें, ये वादा करें जहाँ भी रहें, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहें, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहें। दिल का सहारा साथ न छूटे अब ये हमारा, मुस्कुरा के कदम हम मिला के चले, ये वादा करें जहाँ भी रहे, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहे। में तुझ सा न कोई सारे जहां में, गुल है हजारों इस गुलशिता में, तुझ सा न कोई सारे जहां में, तुमसे मोहब्बत मेरी हुई है, तुम जो मिले हो दुनिया मिली है, हम जमाने की नजरें बचा के चले, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, ये वादा करें जहाँ भी रहें। ऐ दिल मुझे बखूबी खबर है कि तुम क्या चाहते हो, तमाम सजदों का सिला दुआओं का असर चाहते हो, दिल पर मगर किसका जोर चला है। देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर, के लिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से, छोड़िए जिहाद कीजिए दूर ही से बात, थाम लीजिए थोड़े इंतजार से, बाज आए हम तो ऐसे प्यार से। देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर, के लिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। इतनी बेरुखी हमसे किस लिए, दिल दिया है क्या हमने इसलिए, इतनी बेरुखी हमसे किस लिए, दिल दिया है क्या हमने इसलिए, आप तो जनाब हद से बढ़ चले, बातों बातों में बढ़ गए गले, चल दिए कहाँ बात सुनिए मेहरबान, बैठिए तो दो घड़ी करार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से, छोड़िए
हाथ कीजिए थोड़ी से बात, हम लीजिए थोड़े इंतजार से, बात आए हम तो ऐसे प्यार से। आपकी कसम सुनिए तो जरा, बेकरार दिल कह रहा है क्या, आपकी कसम सुनिए तो जरा, बेकरार दिल कह रहा है क्या, दिल की बात का एतबार क्या, आपसे बुरा दिल भी आपका, आपको नहीं जो दिल की बात पे यकीन, तो पूछ लीजिए मौसम बहार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। छोड़िए हाथ दूर इस बार, हम लीजिए थोड़े इंतजार से, बाद आए हम तो ऐसे प्यार से। देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर, खेलिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। लोक हित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन, देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, सर पर झुका के नाम लो इनका, ये तो है छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। Thank you.
साथ दिया है इन लहरों ने जब सब ने मुंह फेर लिया साथ दिया है इन लहरों ने जब सब ने मुंह फेर लिया और कभी जब गम की जलती धूप ने हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरे जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग चले गंगा की लहरे। अगर मोहब्बतों की रुत ना आए भंवरे पर फूल ना मंडराए तो क्या इश्क का जज्बा बयां नहीं होगा। बिल्कुल होगा। गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान हो मैं सदके जावा प्यार से दुबले हाल के पतले मजनू की संतान होए मैं सदके जावा होंठ गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान होए मैं सदके जावा प्यार से दुबले हाल के पतले मजनू की संतान होए मैं सदके जावा जमाने भर के हसी लेकिन तेरी बात है और आशिक तो देखे है नहीं लेकिन तेरी जात है और नाम न जाने गाम न जाने फिर बिलिया पहचान होए मैं सदके जावा प्यार से दुबले हाल के पतले मजनू की संतान होए मैं सदके जावा तेरे जलता है दिल आती ही रहना मेरी गली जलता है दिल मेरे ठेंगे से छोड़ दे आंचल मैं तुझे ली मर नहीं जाऊं सर नहीं जाऊं कहना मेरा मान होए मैं सदके जावा अरे बाबा मेरे दिल की किताब में मैंने तुझे सजाया दिन में रात में बस तेरा ख्याल आया खुशी में गम में मैंने तुझे साथ पाया। जहाँ बोलो दीवाना चला आए के दिले बेकरार की कसम जहाँ बोलो दीवाना चला आए के दिले बेकरार की कसम तेरे ही दम से तो फूल
है तू है अगर तो खिजाम में बहार है। जहाँ बोलो दीवाना चला आए के दिल बेकरार की कसम। चला आए के दिल बेकरार की कसम। चढ़ी चंदा तो तुम ही चले आना सजन तुम ही प्यार की कसम। दिल जो दिया तो क्या पर्दा जहान से। मिटना ही है तो मिटेंगे बड़ी शान से। होगा जो होना है काहे का रोना है। हंस के ही सहने हैं प्यार के सितम। चढ़े चंदा तो तुम भी चले आना सजन तुम भी प्यार की कसम। जहाँ बोलो दीवाना चला आए के दिल बेकरार की कसम। अभिनेत्री कुमकुम पर फिल्माया गया कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं। रहा है।
इसी युगल गीत के साथ कार्यक्रम हर लम्हा तेरे साथ यहीं संपन्न होता है। राधा को दें इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और अब समय है समाचारों का। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। ये आकाशवाणी है, अब आप ममता किरण से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हितधारकों के साथ भविष्य के दृष्टिकोण और रोड मैप पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे। कार्यसूची में वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण उत्पादों और वितरण के प्रारूप, प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र वित्त पोषण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम सहित बुनियादी ढांचे, कृषि, स्थानीय विनिर्माण को ऋण उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस चर्चा में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत अप्रवासी भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है। पिछले महीने सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अवधि तीसरी बार बढ़ाई थी। यह अवधि 2 महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के दूसरे मसौदे को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें विभिन्न पक्षों और आम लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। पहला मसौदा वेबसाइट पर डाला गया था और 17 अप्रैल तक विभिन्न पक्षों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे। बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 8 मई कर दी गई। तब से अब तक विभिन्न पक्षों, सेवा क्षेत्र और उद्योग जगत से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों के अनुसार संशोधित मसौदा तैयार किया गया है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज भारत पहुंच जाएगी। फ्रांस की विमानन कंपनी डसाल्ट द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान ने दक्षिणी फ्रांस के बोर्डियाक्स में मेरिग्नैक हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। 2016 में भारत से 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 विमानों में से 5 विमानों की ये पहली खेप है। राफेल विमान फ्रांस से भारत के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले राफेल लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर आसमान में ही ईंधन भरकर भारत की तरफ अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा किया। अपने दूसरे चरण में राफेल अल दफरा हवाई बेस से उड़ान भर के भारत पहुंचेगा। भारतीय वायुसेना ने राफेल की भारत यात्रा में सहयोग के लिए फ्रांस की वायुसेना के समर्थन की सराहना की है। राफेल खेटेर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल समेत अन्य घातक हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को स्तब्ध करने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ देश में लाए जा रहे हैं, जिनमें इजरायली हेलमेट युक्त डिस्प्ले, अत्याधुनिक रडार और कम बैंड के जैमर प्रणाली शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी जंगी बेड़े में राफेल को जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी विकसित कर लिया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि 10 विमान तय समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में रहेंगे। सभी 36 विमान वर्ष 2021 के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत लगातार ऐसे देशों में बना हुआ है जहां मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है। यह उपलब्धि घर घर सर्वेक्षण, जांच में तेजी और मानकीकृत क्लिनिकल प्रबंधन उपायों के साथ संक्रमण को फैलने से रोकने की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है। अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने गंभीर मामलों के प्रभावी प्रबंधन के जरिए मृत्यु दर कम करने पर ध्यान दिया। इस दौरान क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के जरिए उच्च जोखिम जनसंख्या को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे देश भर में मृत्यु दर कम हुई। संक्रमण का जल्दी पता लगाने और उन्हें अलग रखने के बारे में केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के ठोस प्रयासों के साथ एम्स के विशेषज्ञों की टीम के सहयोग से स्वस्थ होने की दर लगातार सुधर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 1,65,00,000 लोग संक्रमित हैं और इससे 6,55,300 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में संक्रमण के सबसे अधिक 43,00,000 मामले हैं। इसके बाद ब्राजील में 24,00,000 मामले हैं। अमेरिका में सर्वाधिक 1,48,298 लोगों की मौत हुई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि वे कोरोना वायरस महामारी से क्षति के फिर से आकलन के लिए बृहस्पतिवार को आपदा समिति की दोबारा बैठक बुलाएंगे, क्योंकि कोविड-19 के वैश्विक मामले पिछले 6 सप्ताह में 2 गुने हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है। अब ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नहीं है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर कल ई सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मधुमेह, मोटापा, लीवर बढ़ने और गुर्दे के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण और मृत्यु के उच्च जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारी जो दवाइयाँ कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं, रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाइयाँ, ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, लेकिन इनके बारे में साथ साथ ये भी बातें उभर कर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लीवर के अंदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और इसलिए जिनका लीवर ठीक है उनको वो डिस्टर्बेंसेस को भी वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। लीवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सरकार ने राज्यपाल द्वारा पूछे गए 3 बिंदुओं का भी जवाब दिया है। हालांकि सरकार ने फिर से सत्र बुलाने के लिए 31 जुलाई की तारीख प्रस्तावित की है। इस बीच भाजपा विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान उच्च न्यायालय में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है। इस बार श्री दिलावर ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले को चुनौती दी है, जिन्होंने इस विलय से संबंधित उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। राज्यपाल ने सरकार से कहा है कि यदि वह साधारण परिस्थितियों में सदन बुलाना चाहती है तो 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है, अन्यथा सरकार स्पष्ट करे कि वह सदन में विश्वास मत हासिल करना चाहती है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सदन बुलाना कैबिनेट का अधिकार है और राज्यपाल उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। इस बीच बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में पहुंचना सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। कुल मिलाकर प्रदेश का राजनीतिक संकट अब बहुकोणीय हो गया है और इसके जल्द खत्म होने के आसार बहुत कम हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 12 जिलों के लगभग 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दरभंगा के 11 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। अन्य प्रभावित जिले गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हैं। बाढ़ के पानी से 110 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 28 सड़कों पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल पटरियों के पानी में डूब जाने के कारण लगातार पांचवें दिन भी रेल यातायात बाधित रहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टीमों को राहत कार्य में लगाया गया है। उधर बाढ़ प्रभावित असम में पिछले 24 घंटे में बारिश न होने से स्थिति में सुधार हुआ है। कई स्थानों पर अब प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि अभी भी 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुरोई नदी के कटाव से प्रभावित लाल पोखरी क्षेत्र का दौरा किया और विश्वनाथ जिले में भूमि कटाव सुरक्षा उपायों का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कल डोडा जिले का दौरा किया। उन्होंने पंचायत के विभिन्न प्रतिनिधियों, स्थानीय शहरी निकायों और राजनीतिक दलों के सदस्यों से मिलकर उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय रेनु कटारिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल जॉइन स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज टू डिस्कस एंड डेलिबरेट ऑन विजन।